3 दिन की ट्रेनिंग में फ्रेम इश्यू की तरफ से हम लोग RCF में गए थे ट्रेनिंग के लिए। तो फर्स्ट दिन हम फेमिलियर हुए थे वहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट वहाँ की प्रोडक्टिविटी है। उसके बाद हम लोग वहाँ प्रोडक्ट जो बनते हैं उनसे फेमिलियर हुए। उसके बाद हम लोग वहाँ के यूरेनियम और अमोनिया जहाँ पे स्टोरेज होता है उसको देखें, फिर वहाँ पे जो जो हजार हैं उसको जानें और बहुत सारे लेक्चर सुनने को मिले। और उस लेक्चर में फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड हमें बहुत चीज़ें बताई गई और बहुत सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे हम उससे सेफ हो सकते हैं, इन्वायरमेंट कैसे सेव कर सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट करके हम वाटर को कैसे बचा सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें बताई गई। फिर हम लास्ट दिन वहाँ के फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में गए जहाँ पर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेने को मिला, प्रैक्टिकल नॉलेज देखने को मिला, जो हम कैसे हम नोज और होस को कैसे हम पकड़ें, कैसे एक प्रॉपर तरीके से पकड़ें और कैसे हम उसको चलाएं। तो बहुत सारी नॉलेज हमें 3 दिन मिली और मैं चाहता हूं कि फ्रेम इंस्टीट्यूट हमें लॉन्ग टर्म के लिए वहां भेजे जिसे और हमें नॉलेज मिले। थैंक यू।